नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूं, जो इंटरनेट स्पीड के बारे में है। इंटरनेट की धीमी स्पीड से सभी लोग परेशान हैं और हम इसकी शिकायत भी कर देते हैं कंपनी से, लेकिन उसका फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो क्यों ना हम ही अपने कंप्यूटर में थोड़ा सा सुधार करके इंटरनेट की स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए अपन कुछ सेटिंग करेंगे कंप्यूटर्स में, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, स्टेप टू स्टेप अपन फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो अपना फॉलो जो मैं स्टेप बता रहा हूँ, आप उनको फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करो, ठीक है। जो आपका स्टार्ट बटन होता है उस पर राइट क्लिक करो, तो यहाँ पर रन ऑप्शन आता है, तो आप इस पर क्लिक कर दो। या तो आप यहाँ से ओपन कर लीजिए इसे, या फिर आप कीबोर्ड से रन को ओपन कर सकते हो। विंडो की और आर प्रेस करोगे कीबोर्ड में, विंडो की और आर की प्रेस करते ही रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद में आप इसके अंदर टाइप करोगे gpedit.msc। यहाँ हम टाइप करेंगे gpedit.msc और इसके बाद ओके कर देंगे। जैसे देखो ओपन करेंगे, एक विंडो ओपन हो रही है इन स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं, ठीक है। इस में लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर के नाम से आपकी विंडो ओपन हुई है, ठीक है। लोकल कंप्यूटर पॉलिसी, सॉरी, ठीक है। इसे थोड़ा सा इधर कर लीजिएगा। इसके लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे जैसे आप क्लिक करते हैं, इसमें तीन चीज़ें आती हैं, सॉफ्टवेयर सेटिंग, विंडो सेटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, ठीक है। तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, ओके, और डबल क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, कंट्रोल पैनल, नेटवर्क। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन अपन नेटवर्क चूज़ करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन फाइंड करना है, एक फोल्डर QoS पैकेट सर्वर, ठीक है। आप इस पर डबल क्लिक कीजिए। इस पर डबल क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे, आपको एक फाइल मिलेगी लिमिट रिवर्सेबल बैंडविथ, ठीक है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पहले से आपको या तो डिसेबल आएगा या नॉट कॉन्फ़िगर लिखा आएगा। जैसा कि यहाँ पे नॉट कॉन्फ़िगर आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं नॉट कॉन्फ़िगर आ रहा है लिखा हुआ, आप इसे अनेबल करेंगे, ठीक है। जैसे आप अनेबल करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 80% आता है यहाँ पे, तो हम 80% को क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे 80% को, और यहाँ अपन 0% राइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम इसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके इसे ओके कर देंगे। ये सेटिंग हम लोगों को करनी है, ठीक है। इसके करने के बाद में, सेटिंग को करने के बाद में आप क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे, और जब वापस आप सिस्टम को ऑन करेंगे और फिर इंटरनेट चलाएंगे, तो आप देख पाएंगे कि आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड है 20 से 30% ज़्यादा हो जाएगी पहले के मुकाबले, काफ़ी अच्छी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।